आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्टर हर्षद अरोड़ा के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में। तो अगर आप भी हर्षद अरोड़ा के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हर्षद अरोड़ा का जन्म 3 सितंबर 1987 को दिल्ली में हुआ था और उनके पिता एक बिजनेसमैन है। हर्षद अरोड़ा ने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में बहुत सारे मॉडलिंग और टेलीविजन कमर्शियल्स में काम किया है। और हर्षद अरोड़ा की अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई रेहान इंटरनेशनल स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की है। अब हम हर्षद अरोड़ा के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर्षद अरोड़ा ने अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत 2013 में बेंतहा टीवी सीरियल के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने जैन अब्दुल्ला का रोल प्ले किया था, जो कि 2014 तक चली थी। इसके बाद 2015 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की सीजन 6 में एज ए कंटेस्टेंट भाग लिया था और इस सीजन में उन्होंने 15वां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद 2016 में दहलीज टीवी सीरियल में IAS आदर्श सिन्हा का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2016 से 2017 में सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस में सुपर कॉप जय का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2018 में मायावी मलिंग में राजकुमार अंगद का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2019 से 2020 में तेरा क्या होगा आलिया में आलोक परिहार का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2020 में कुछ स्माइल्स हो जाए विद आलिया में आलोक परिहार का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2021 से 2022 में थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में अर्जुन चटर्जी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2023 में यानी अभी के समय में गुम है किसी के प्यार में टीवी सीरियल में डॉक्टर सत्य अधिकारी का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और टेलीविजन सीरियल में इनका गेस्ट अपीयरेंस रहा है, जैसे कि 2014 में बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आए थे और इसी साल झलक दिखला जा के 7वें सीजन में नजर आए थे और इसी साल 2014 में मेरी आशिकी तुमसे ही टीवी सीरियल में नजर आए थे। इसके बाद 2015 में सिंटा दी लंगित ताजमहल में नजर आए थे। इसके अलावा अगर उनके वेब सीरीज के बारे में बात करें तो 2019 में द फाइनल कॉल वेब सीरीज में इन्होंने अभिमन्यु सहाय का रोल प्ले किया था। तो हर्षद अरोड़ा की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और हर्षद अरोड़ा की कौन सी टीवी शो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और किस टीवी शो में आपने सबसे पहले हर्षद अरोड़ा को देखा था, इसे भी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और ऐसे ही अपने फेवरेट टीवी एक्टर और एक्ट्रेस की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो पहले से मौजूद है, तो आप जाइए उन्हें देखिए और इंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में।